थ्री को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री को कैसे करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर को भी हम इसी में कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे साइन टू ए, मतलब क्या है ये टू ए है ना, एक कोण है, क्या है टू ए एक कोण है, लेकिन यहाँ पे ये टू ए एक कोण, यहाँ पे ये एक कोण ये है, यानी कि जो साइन ए का वैल्यू जो भी आएगा इसको डबल कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा डबल कर दिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन वहीं साइन टू ए का वैल्यू आएगा तो जो आएगा वो रह जाएगा। बस कह रहा है कि तब सत्य होगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू हम कुछ ऐसी वैल्यू को रखेंगे कि ये दोनों सत्य हो जाए, ये तब सत्य होगा, क्या हुआ तब सत्य होता है जब ए बराबर है, ए बराबर का मतलब कि जितना डिग्री यहाँ लिखेंगे इस एक जगह पे उतना ही डिग्री हम इस वाले एक जगह पे लिखेंगे, ठीक है, जितना डिग्री हम इस वाले के लिखेंगे उतना ही डिग्री हम इस वाले पे लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे जीरो लिख दें तो सबकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी, यानी ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो सब जीरो है ना। अब देखिए अगर 30 लिख दें, बात करते हैं एक वैल्यू क्या लिखते 30 लिख दें, ठीक है, तो 30 का यानी कि अगर यहाँ पे बात करें हम तो ए 30, क्या ए 30, 30 कितना आएगा, यानी एक जगह पे कुछ और आएगा साइन 30, ए और 1/2 आएगा, फिर उसको क्या करेंगे 1/2 आएगा, बस समझिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें 1/2 × 1/2, ठीक 2 तो लिखा है यहाँ पे और 30 का वैल्यू यहाँ पे आया, उसी तरीके से यहाँ से 1/2 अगर हम 2 लिख दें तो 2 × 2 कैसे हो गया, बच गया 1 बच गया, ये कभी बराबर हुआ नहीं हुआ ना, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर कौन हो रहा है 0, यानी कि 0 को रखने से हमारा दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।